देन प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसके लिए आपको अलग से वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ा वीडियो भी हो जाता और उसके बाद आपको वो देखने के लिए भी मतलब होमवर्क के लिए भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इस वीडियो में पूरा सॉल्व करके देने वाला हूँ। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन पी अपॉन क्यू फोर। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, सपोज लेट x इज इक्वल्स टू जो दिया है वही क्वेश्चन लिख लें कि आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, तो आपको क्या लेना है, x जीरो, तो ये हो जाएगा 10x, राइट। यही नंबर लिखना है आपको क्योंकि जीरो का वैल्यू नहीं है और पॉइंट के बाद जो दिख रहा है वही है, आया समझ में। अभी इसमें से ये क्या करेंगे माइनस और इसमें से ये क्या करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स और 6.6 रिकरिंग माइनस 0.6 रिकरिंग, ओके। तो 10x में से x गया तो क्या बचेगा 9x, और ये तो सेम है कैंसर, 6 में से 0 गया तो क्या बचेगा 6, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 9, तो 6 के टेबल में 9 आता, सॉरी 6 और 9 एक ही टेबल में आता है, 3 टू जा और 3 थ्री जा, तो x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला 2/3, सो देयर फोर p/q इज इक्वल्स टू 2/3, आया समझ में, बस इतना ही है, आया। सेम क्वेश्चन वही करेंगे, मतलब आपको मैं यहाँ से कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। तो सेम लेट जो आपको दिया है x इज इक्वल्स टू 0.37 रिकरिंग, ठीक है। अभी डेसिमल के बाद यहाँ पे एक ही था इसलिए 10 लिया, यहाँ पे 2 है तो 10 की जगह पे क्या आएगा 100, तो यह आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 0.37, सॉरी यहाँ पे आपको क्या लेना है, वही नंबर लेना है जो दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है 37, तो यह आ जाएगा पॉइंट, और जो पॉइंट के बाद जो है वही लिखना है, डेसिमल के बाद जो है वही लिखना है। अभी इसमें से ये क्या करेंगे माइनस और इसमें से ये क्या करेंगे माइनस, माइनस क्यों करना है क्योंकि ये फॉर्म अपॉन में और डिवाइड में क्या करते हैं माइनस करते हैं, 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 37.37 रिकरिंग माइनस 0.37 रिकरिंग। 100 में से 1x गया तो क्या बचेगा 99x इज इक्वल्स टू, ये तो सेम है कैंसर, और 37 में से 0 गया तो क्या बचेगा 37, तो 99 यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 37 अपॉन 90, ओके। अब ये 37 इज अ प्राइम नंबर, सो देयरफॉर p/q इज इक्वल्स टू 37/90, आया आप समझ में, बस इतना ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये फॉर्म मिल गया आपको, अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिनिश, मैं पूरा क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके दूंगा, आपको समझ में। देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए एक मैंने होमवर्क रखता हूँ 5 वाला, क्योंकि आपको भी आना चाहिए, ठीक है। सेम करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इजीली कर मतलब आराम से करूँगा, क्योंकि जो पहले दो की है वो इजी थे, फटाफट हो गए, ठीक है। सेम ही करेंगे, पहले लेट x इज इक्वल्स टू 3.17 रिकरिंग, ठीक है। उसके पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो क्या आ जाएगा 20, क्या हो जाएगा 100x। अरे आपको जो नंबर दिख रहा है वही लिखना है, आपको नंबर दिख रहा है 370, इससे पहले जो किया वहाँ पे 0 था इसलिए 0 लिखने की वैल्यू नहीं है, और पॉइंट के बाद जो है वही लिखना है, समझ में आया। अब ये दोनों का क्या करेंगे माइनस, तो क्या होगा 100x माइनस एक्स, अब ये दोनों का माइनस 317.17 रिकरिंग माइनस 3.17 रिकरिंग, 100 में से 1 गया 99x, राइट। अभी ये तो सेम है कैंसर, 317 में से 3 गया तो 17 में से 3 गया 340, राइट। तो यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 314 डिवाइड बाय 99। अब इसको 3 से डिवाइड होता है क्योंकि 99 3 के टेबल में ही आएगा, तो 3 1 3, बट मतलब 3 से डिवाइड करना तो क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस करेंगे तो आना चाहिए, तो 3 + 1 = 4, 4 + 4 = 8, तो 8 आते हैं 3 के टेबल में नहीं, तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा p/q =
3.14 upon 99, तो ये मिल गया आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सेम करना है, क्या आएगा, लेट x इज इक्वल टू 15.89 मीटर, राइट। अभी पॉइंट के बाद दो ही डेसिमल है, तो क्या आएगा 100x, पूरा नंबर लिखो 1589, पूरा नंबर लिखा है, और पॉइंट के बाद जो पॉइंट दिख रहा है वही। सेम करेंगे माइनस 100 माइनस ये, तो आ जाएगा 100x माइनस x, और इसमें से ये 1589.89 रिकरिंग माइनस क्या आएगा 15.89 रिकरिंग, अंडरस्टैंड। तो इसमें से माइनस होगा तो क्या आएगा 99x, राइट, ये तो कैंसिल हो गया बराबर। तो इसमें से माइनस करेंगे 15, इजी पड़ेगा समझने से। सो 9 - 5 = 4, 8 - 1 = 7, और आगे जो दिख रहा है वही आया समझ में। तो ये 99 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 1574 upon 99, ओके। अभी यहाँ पे देखो 5 + 1 = 6, 6 + 7 = 13, 13 + 4 = 18, तो 3 के टेबल में 18 आता है, तो आप इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, राइट। अब इसको 3 × 4 = 12, राइट, सॉरी 3 × 5 = 15 आता है बराबर। तो यहाँ पे क्या बचा 6, तो 3 × 2 = 6, ओ नहीं आएगा 14, थोड़ा आता नहीं है, तो मेरा गलती हो गया, तो आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1574 upon 99 यही रहेगा। सो देयरफॉर पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1574 upon 99, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, फिनिश, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क, और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 फिनिश। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट किया और डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर लिया 4 का, ठीक है। जो 1, 2, 3 क्वेश्चन है 2.3 के लिए, सॉरी 2.2 के लिए, तो मैं अलग से लेक्चर शूट करूँगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए मुझे बोर्ड नहीं, मैं नोटबुक यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें डायग्राम दिखाना है और शो करना है इरेशनल नंबर, तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ईजी है, इसमें हो भी जाएगा और आपको जल्दी समझ में जाएगा। राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर गिवन बिलो, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें से आपको रैशनल नंबर कितने दिखने हैं, 3, ठीक है। तो पहला आपको नंबर क्या दिख रहा है, 0.3, और क्या दिख रहा है, 0.3 और -0.5, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसमें आपको इजीली समझ में आएगा। ये लेता हूँ मैं 0, ठीक है, इसको लेता हूँ 1, इसको लेता हूँ 2, और इसको लेता हूँ 3, इसको लेता हूँ -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसको हम पकड़ेंगे 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो आपको ये पकड़ो 0.8 है और ये 0.3 है, तो इसके बिटवीन कितने नंबर है देखो, तो इसमें से आपको कितने निकले, एनी 3, तो मैं लेता हूँ चलो -0.2 लेस देन छोटा है 0.0 और लेता हूँ 0.1, ऐसे समझ में। एनी 3 बोला था आप 0.3 भी ले सकते हो, 2 भी, 1 भी, 0, 1, 2 भी, कौन सा भी ले सकते हो, और ये साइन क्यों यूज़ किया, क्योंकि 0.2 से बड़ा 0.0 है, 0.0 से बड़ा 0.1 है, ऐसे समझ में एनी 3 बोला था, फिनिश हो गया। देन ये -2.3 और -2.33, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका डेसिमल सेम नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डेसिमल, तो डेसिमल को सेम करते हैं 3, और यहाँ पे एक 0 लेता हूँ, यहाँ पे लूँगा 0.33, हो गया डेसिमल से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसके बिटवीन 2 ही नंबर मिलेंगे, 31 और 32, आपको कितने पूछे, 3, तो मैं और एक 0 बढ़ाता हूँ यहाँ पे, और इधर भी बढ़ाता हूँ, डेसिमल सेम कर देंगे, तो अभी तो देखो 300 से लेके
330 तक बहुत नंबर है, तो आप कौन से भी ले सकते हो। और माइनस में माइनस 0.305 ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, छोटा नंबर, माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है, तो माइनस 2.307 और उसके बाद माइनस 2.329। कौन से भी लोग यहाँ पे सिर्फ इनके बिटवीन को है, तो 300 और 330 हम लोग नहीं ले सकते, आया समझ में। उसके बाद लास्ट 5.2 एंड 5.3, इनके बिटवीन तो नहीं मिलेगा, तो आपको 00 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 5.20 एंड 5.30, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर बड़ा ही नंबर होगा, तो लेता हूँ 5.25 लेस देन 5.27 लेस देन 5.29। आप कौन से भी लो, मैंने ये लिए और यहाँ पे बोला था एनी थ्री, तो एनी थ्री मैंने लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके लिए होमवर्क होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 फिंच, और जो 1, 2, 3 है उसके लिए मैं अलग से लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।